हाई गाइज, इंदिरा हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप मेरे चैनल पे जो वेडिंग सीरीज़ चल रही है वो आप इन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वीलॉग्स, शॉपिंग, शादी की तैयारियाँ, सारा कुछ मैं आपके साथ इस सीरीज़ में शेयर कर रही हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो मेहंदी के दिन का वीडियो है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरे भाई की शादी थी, तो हम लेडीज़ को मेहंदी लगानी थी और दूल्हे को भी शगुन के लिए थोड़ी सी मेहंदी लगाई जाती है। सो मेहंदी हमने लगाई थी 28 अक्टूबर को और आज से ही काफ़ी सारे गेस्ट जो हैं आना शुरू हो गए थे। मैक्सिमम जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो 28 को पहुंच गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह ही हल्दी है और शाम को जागोन संगीत का फंक्शन है। सो 28 मॉर्निंग से ही हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे और रात को भी काफ़ी सारे हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो पहुंच गए थे। सो बाकी जितने गेस्ट थे वो नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच गए थे, तो सब ने हल्दी वाला फंक्शन अटेंड किया एंड सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो जितनी भी लेडीज़ आ गई थी, हमने सोचा कि हम लोग मेहंदी पहले से लगा लेते हैं, सो दैट वी आर फ्री फॉर द इवनिंग एंड ऑल्सो फ्री ऑन द हल्दी डे। उस दिन हमें ऐसे हाथ लेके नहीं घूमना पड़ेगा, तो पहले से ही हम लगा लेंगे और कलर वलर भी अच्छे से चढ़ जाएगा। सो थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स जो मैंने उस दिन ली थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बीच बीच में मैं इंसर्ट कर दूंगी क्लिपिंग्स। तो मॉर्निंग में पहले हमने होटल में जो है ब्रेकफास्ट किया। सो उसके बाद मैं निकल गई सैलॉन में, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे काम था, थोड़ा सा टाइम था हमारे हाथ में लंच के पहले। तो उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड जो है मॉडल टाउन चले गए और वहाँ पे जो राम गारमेंट्स करके शॉप है जो मैंने एक वीडियो में भी आपको दिखाई थी, सो वहाँ से हमने अपने लिए कुछ जैकेट्स वगैरह खरीदी एंड देन वी रीच बैक टू द होटल। सो वहाँ पे हमने जल्दी से लंच किया क्योंकि मेहंदी वाले आ गए थे। इट वॉज़ ऑलमोस्ट 3 o'clock, सो जल्दी से हमने मेहंदी लगाई। हाय गाइस, सो 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है एंड आज हमने सब लेडीज़ ने मेहंदी लगा ली है एंड इस तरीके का डिज़ाइन है, क्वाइट प्रिटी। एंड जो मेहंदी वाले थे दे वर सो क्विक, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मेहंदी उन्होंने सिर्फ 10 से 15 मिनट में लगाई है दोनों हाथों में, इस हाथ में और इस हाथ में भी ये डिज़ाइन। सो दे वे वेरी वेरी क्विक एंड बहुत अच्छा डिज़ाइन उन्होंने बनाया है। वी वे लाइक 6 of us, 1 घंटे में आई थिंक उन्होंने सारी लेडीज़ को लगा दी थी मेहंदी एंड उसके बाद हम लोग बैठे रहे सुखा उखा के आराम से फोटो सेशन करके। नाउ आई एम बैक इन माई रूम एंड आई शो यू माई आउटफिट। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग फॉर मेहंदी। इट्स अ सिंपल गरारा सूट, इस तरीके का इसमें पूरा सीक्वेंस का काम है। आई डोंट नो इफ द कैमरा इज कैचिंग इट, आई विल ट्राई टू अटैच सम पिक्चर्स। सो ये इस तरीके का इसमें वर्क है और नेक पे पूरा गोटा पट्टी का वर्क है। इट्स अ सिंपल बट वेरी प्रिटी एंड एलिगेंट लुकिंग सूट और ये मुझे मेरी देवरानी ने गिफ्ट किया था। सो इट्स लाइक दिस एंड मेकअप वगैरह मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं क्योंकि सुबह भी हम लोग बाहर गए थे शॉपिंग के लिए एंड उसके बाद लाइक आके सीधा हम लोग मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए थे। सो मतलब जस्ट बेसिक काजल एंड थोड़ा सा लिपस्टिक जो मिट भी गई है। सो दिस इज़ माय मेहंदी, ऑल सेट एंड एक्साइटेड फॉर टुमारो। सो सी यू। सो मेहंदी लगाने के बाद हम लोग आराम से 2-3 घंटे बैठे रहे जब तक मेहंदी सूख रही थी। वी वर चिट चैटिंग, डिस्कसिंग कि कल क्या होने वाला है, क्या करना है, कौन क्या पहन रहा है और थोड़ा सा हमने फ़ोटोशूट भी किया। उसके बाद हम लग गए नेक्स्ट डे की तैयारी में, जिसके जो भी कपड़े थे नेक्स्ट डे पहनने वाले, आयन वगैरह करने थे, सब हमने रेडी करके रखे क्योंकि नेक्स्ट डे 2 फंक्शन बैक टू बैक होने वाले थे, तो बिल्कुल भी हमें बीच में टाइम नहीं मिलता। तो प्रीवियस डे ही हमने नेक्स्ट डे के सारी चीज़ें जो है रेडी करके रख दी। इवन रिचुअल्स के लिए जो सामान ले जाना था वो भी हमने अलग अलग पैकेट्स में डाल के रेडी करके रख दिया। सो मेहंदी वाले दिन बस इतना ही था और डिनर किया हमने। उसके बाद भी रात को भी लेट नाइट हमारे कुछ गेस्ट वगैरह थे, दे अराइव। सो फाइनली जब काफ़ी सारे
गेस्ट पहुंच गए तब वेडिंग वाली फील आना शुरू हो गई थी. ऐसा लग रहा था कि हाँ अब कुछ होने वाला है. द एक्साइटमेंट वॉज इंक्रीजिंग. सो दैट्स ऑल फॉर द मेहंदी वीडियो. मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट हल्दी. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हल्दी और जागो और संगीत एक ही दिन हुए थे, बट मैं दोनों का अलग ही वीडियो बनाने वाली हूँ ताकि दोनों जो फंक्शंस हैं उनको अपनी इम्पोर्टेंस मिल सके और एक इवेंट पे हम फोकस कर सकें. सो उनके मैं अलग दो वीडियो बनाऊंगी एंड दो अलग वीडियोस में अपलोड करूंगी. सो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.